हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन का जो प्रोटेक्शन लॉक है उसे अनलॉक कर सकते हैं अपने मेडिकल बॉक्स या मेडिकल क्रेक से। और मान के चलिए कि अगर आप FRP लोग या पैटर्न लोग या पिन लोग अगर अनलॉक करते हैं मेडिकल बॉक्स या मेडिकल क्रेक से जिस तरीके से, उसी तरीके से अगर आप इस प्रोटेक्शन लॉक को अनलॉक करना चाहेंगे तो आपका मोबाइल जो अनलॉक नहीं हो पाएगा। और उस मोबाइल को अगर आप अपने हाथों से फॉर्मेट करेंगे तब भी आपका जो प्रोटेक्शन लॉक है जो अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप प्रोटेक्शन लॉक को अनलॉक कर सकते हैं अपने मेडिकल बॉक्स या मेडिकल क्रेक से। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता, दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो इंटेक्स का स्मार्टफोन है इसमें जो है प्रोटेक्शन लॉक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन लॉक जो बिल्कुल जिस तरह पिन लॉक होता है उसी तरह का पिन लॉक की तरह ही दिखता है। और फर्क इसमें यह होता है कि ऊपर में जो वहाँ पे लिखा होता है कि पिन लॉक और फोन लॉक, इसमें लिखा होता है ऊपर में प्रोटेक्शन लॉक। तो ये इस तरह से प्रोटेक्शन लॉक वाला अगर फोन आपके पास अगर होगा तो इसे आप अगर मान के चलिए पिन लॉक की तरह अगर अनलॉक करेंगे अपने मेडिकल बॉक्स से या अपने हाथों से इसे वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस के जरिए अगर फॉर्मेट करेंगे तो इसका जो प्रोटेक्शन लॉक अनलॉक नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोटेक्शन लॉक को अगर आप अनलॉक करेंगे अपने मेडिकल बॉक्स से, जैसे मान के चलिए उसे उसका अगर रीट इन्फो आप चेक करेंगे तो आपको रीट इन्फो में आपको चेक में आपको बता देगा उसका जो मोबाइल का जो मॉडल नंबर है वो सारा दिखा देगा। और जब उस फोन को आप रीड करेंगे तो रीड भी होगा, लेकिन जब उसे आप रीड अनलॉक करेंगे तो फोन जो है वो रीड अनलॉक नहीं होगा। तो मैं आपको अभी इस मेडिकल बॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो प्रोटेक्शन लॉक को इसे हम अभी जो इसका इन्फो हम सबसे पहले आपको चेक कर दिखाते हैं। सबसे पहले इसका हम इसका जो फ्लैश फाइल है इसे हम रीड करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रीड इसे हम करेंगे इस फोन को तो रीड ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसे रीड करके कि किस तरह से मैं इसे रीड करता हूँ और ये फोन रीड भी हो रहा है। और इनका अगर इस फोन का अगर मैं इन्फो चेक कर रहा हूँ तो इन्फो भी दिखा रहा है। और इस फोन का अगर रीसेट कोड में अगर कर रहा हूँ तो रीसेट कोड में भी ये हमारा फोन जो है कनेक्ट रहता है, ठीक है, और रीसेट होता है। लेकिन हम जब अपने फोन को जब वापस ऑन करते हैं तो हमारा फोन का जो लॉक है वो अनलॉक नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, चलिए पहले सबसे पहले हम इस फोन को जरा रीड करके आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। और रीड हम कंप्लीट पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए हम थोड़ा सा रीड करते हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा फोन जो है बिल्कुल सही है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, सब चीज हो रहा है। इसका मतलब हमारा फोन सही है, फिर भी हमारा जो फोन है रीड अनलॉक क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब भी किसी फोन को आप अनलॉक करने चाहे तो आप पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका जो मोबाइल का जो ड्राइवर है वो सक्सेसफुली आपके डिवाइस मैनेजर में इंस्टॉल हो जाए और आपके सिस्टम से आपका मोबाइल जो है कनेक्ट हो। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी स्मार्टफोन को अगर आप फॉर्मेट करना चाहें, मान के चलिए उसका FRP अनलॉक करना चाहें, तो उसे उसका अगर आप प्रोटेक्शन लॉक अनलॉक करना चाहें तो आप उसका फ्लैश फाइल रीड जरूर कर लेंगे अपने सिस्टम में, क्योंकि हो सकता है कि आपका फोन जो लोगों पे अटक जाए या आपका फोन जो है डेड हो जाए तो उस हालत में आपको फ्लैश फाइल जो है काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका जो बूट नंबर है उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए इसका इस मोबाइल का जो IC नंबर है CQ टाइप है जो इसका ये है 6735, इस बूट नंबर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इस फोन को हम थोड़ा सा रीड करते हैं। दोस्तों, अगर आप जब भी अगर मान के चलिए इस तरह का प्रोटेक्शन लॉक या FRP लॉक को अगर आप अनलॉक करेंगे तो आपको तो पहले जो इसका फ्लैश फाइल कंप्लीट रीड कर लेना है। लेकिन मैं इस फ्लैश फाइल को जो रीड कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। ये रीड होने का मतलब ये है कि ये फोन जो बिल्कुल सही है तभी तो ये फोन जो है रीड हो रहा है। चलिए, इसका थोड़ा सा इन्फो हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। और रीड इन्फो अगर यहाँ पे दिखा रहा है इस मोबाइल का तो इसका मतलब ये मोबाइल बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मोबाइल जो है बिल्कुल अनलॉक होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रीड इन्फो हमने चेक किया तो इस मोबाइल का जो इन्फो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, और इसका मतलब है कि फोन बिल्कुल सही है। और इसे हम अगर रीड अनलॉक करना चाहेंगे, मान के चलिए इसमें पिन लॉक अगर मान के चलिए पिन लॉक अगर आप यहाँ पे रीड करते हैं तो बिल्कुल उसका यहाँ पिन यहाँ पे दिखाता है, लेकिन इस फोन का जो है पिन लॉक यहाँ पे नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसमें जो है प्रोटेक्शन लॉक है और प्रोटेक्शन लॉक का जो यहाँ पे जो रीड अनलॉक जब हम करेंगे यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं दिखाएगा कुछ भी और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से अटका हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर दोबारा हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर है सक्सेसफुली ले चुका है और फिर भी हम इस फोन को जब हम यहाँ पे रीड किए और रीड इन्फो का चेक किए दिखाया, लेकिन जब रीड अनलॉक पे जब हम क्लिक किए तो हमारा जो रीड अनलॉक यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका जो पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। और ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन लॉक है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोबारा भी हम फिर से यहाँ पे जो है रिटर्न लॉक पे क्लिक कर रहे हैं और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं और रिटर्न लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इसका पासवर्ड यहाँ पे दिखाए, लेकिन ये यहाँ पे जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जो है प्रोटेक्शन लॉक है, इसलिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेट कोड, अगर रिसेट कोड पे चेक लगा के अगर हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इसका पासवर्ड रिसेट करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे रिसेट कंप्लीट दिखा देगा, लेकिन जब हम इस मोबाइल को दोबारा ऑन करेंगे उसका जो जो पासवर्ड है वो प्रोटेक्शन लॉक वो बिल्कुल नहीं हटेगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है, और अनलॉक नहीं हो पाएगा। यहाँ दिखा देगा मेरिकल बॉक्स में कि जो हमारा जो पासवर्ड जो है रिसेट हो चुका है, लेकिन वो होगा नहीं, प्रोटेक्शन लॉक नहीं होगा, ठीक है। अगर पिन लॉक होता तो बिल्कुल हो जाता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन लॉक है, इसलिए यहाँ पर जो है सक्सेसफुली यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन हम जब आप मोबाइल को दोबारा फिर ऑन करेंगे तो मोबाइल का जो जो प्रोटेक्शन लॉक है वो अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटेक्शन लॉक को कैसे आपको अनलॉक करना है। दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ये प्रक्रिया करके दिखा रहा हूँ आपको कि ताकि आपको समझ में आएगा, आप इस तरह का अगर आप यहाँ पे करेंगे या मेडिकल बॉक्स में या मेडिकल क्रेक में, लेकिन आपका जो प्रोटेक्शन लॉक है वो अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो इसे अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, और फॉर्मेट पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो मोबाइल जो है फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेव मोड में जो है आपका मोबाइल फॉर्मेट नहीं होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव मोड में जो हम इसे फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोबाइल जो यहाँ पे फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, ये मोबाइल जो हमारा फॉर्मेट नहीं हो पा रहा है, और ऑटो मोड जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने लिखा जा रहा है। तो ऑटो मोड भी अगर हम सिलेक्ट करके फॉर्मेट करेंगे तो हमारा मोबाइल जो फॉर्मेट यहाँ कंप्लीट दिखाएगा, लेकिन प्रोटेक्शन लॉक जो है इसका अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो प्रोटेक्शन लॉक को अनलॉक करने के लिए हमें आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे आप सेफ यहाँ पे इसका जो चेक हटाएंगे आप, उसके बाद ऑटो देख रहे हैं, नीचे में आप देख रहे हैं एडवांस सेटिंग, यहाँ पे एडवांस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं इस तरह का ये ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आपका जो फ्लैश फाइल रीड करने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं यहाँ से, और हम अभी रीड करना नहीं चाहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि आपको प्रोटेक्शन अगर लॉक अनलॉक करना है तो यहाँ पे, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग सेलेक्ट करना होगा, और जब एडवांस सेटिंग आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में आपको जो है यहाँ पे चूज करना है कि आप FRP अनलॉक करना चाहते हैं या किसी अन्य को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे FRP अनलॉक करने के लिए सबसे ऊपर में है, और नीचे में यहाँ पे इन तीनों पे आपको चेक लगा देना है, टिक लगा देना है, ठीक है। अगर आपका मोबाइल में अगर FRP लॉक है तो आप FRP पे चेक लगा सकते हैं, अगर FRP लॉक नहीं है तो आप इन तीनों पे चेक लगा करके आप ओके कर सकते हैं, और जैसे आप ओके करेंगे आपका जो ये प्रोटेक्शन लॉक जो है अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप अपने मोबाइल को ऑन करेंगे, अगर हो सकता है कि आपका मोबाइल लोगों पे अटक जाए, तो अगर ऐसा होने लगे आपके साथ, अगर लोगों पे अटक रहा है आपका मोबाइल, तो आपको करना यह है कि उस मोबाइल को अपने हाथों से फॉर्मेट कर देना है। आपको पावर की और वॉल्यूम प्लस को एक साथ प्रेस करना है, उसमें जो सेटिंग आएगा वो आपको वहाँ सेटिंग में आपको जो फैक्ट्री रिसेट कर देना है, आपका मोबाइल कम्प्लीटली जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका जो प्रोटेक्शन लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MI का जो MI अकाउंट होता है उसे आपको कैसे रिसेट करना है अपने मेडिकल बॉक्स या मेडिकल क्रेक से। और इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।